गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज योर मैथ सब्जेक्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे एबेकस टूल का क्वेश्चन था, नंबर्स रिप्रेजेंट करने थे। आई होप आपने वो कर लिया होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीड करेंगे। Write the numeral of each of the following. It means, write means क्या होता है, लिखना, numeral number, each means प्रत्येक, following means नीचे दिए गए। नीचे दिए गए जो questions हैं इनके लिए, प्रत्येक के लिए क्या लिखना है आपने, numeral को लिखना है। okay? First one is done for you. देखिए यहाँ पर आपको ये प्लेस वैल्यू मार्क की गई हैं, ones, tens, hundred and thousand. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 6000s, 500s, 2 tens, 7 ones, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 की जो प्लेस है वहाँ पे कितना नंबर आ रहा है, 6 आएगा। 100s की प्लेस पे कितना नंबर है, 5। 10s की प्लेस पे कितना है, 2। और 1s की प्लेस पे कितना है, 7। तो यहाँ पे देखिए 1s की प्लेस पे कितना लिखा गया है, 7। 10s की प्लेस पे 2, 100 की प्लेस पे 5 एंड 1000 की प्लेस पे 6। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, 9000s, 300s, 110। अब यहाँ 10 तक है, वंस नहीं है। अगर वंस नहीं है तो वंस की जगह पे हम ज़ीरो लगाएंगे, जिसकी जगह पे नहीं दिया गया उसकी जगह पे हम ज़ीरो मार्क करेंगे। 10 की जगह पे कितना है, प्लेस पे कितना है, 1। ओके, नेक्स्ट इज 100 की प्लेस पे कितना है, 3। 100 की प्लेस पे आएगा यहाँ पर 3। 1000 की प्लेस पे कितना है, 9। डन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज 2000s, 300s, 9 tens, 2 ones, ओके। तो वंस की प्लेस पे कितना है, 2। कितने वंस हैं, 2 है ना, तो टेंस 9 है। हंड्रेड्स कितने हैं, 3, और थाउजेंड्स 2। डन, नेक्स्ट इज 3000s, 200s। अब यहाँ देखिए हंड्रेड्स तक हैं। अब आप बोलेंगे मैम टेंस और वंस तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ज़ीरो मार्क कर देंगे। ओके, 100 की प्लेस पे कितना आएगा फिर, 2 आएगा, और 1000 में 3 आएगा। ओके, ये जो वन क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा है ये आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल इसकी जैसा ही है। आप इसे देख के अच्छे से समझ के फिर कर लेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग द बॉक्सेस विद द मिसिंग डिजिट्स, इट मीन्स फिल इन द बॉक्सेस का मतलब होता है खाली स्थान भरिए विद द मिसिंग डिजिट्स, जो डिजिट्स को मिस किया गया है, जो स्किप किया गया है, जो नहीं है यहाँ पर उन्हें। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए डिजिट्स दी गई हैं, इनको कैसे रीड करेंगे हम, 2380। ओके, सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या मार्क करेंगे, प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ओके, तो 1000 की प्लेस पे कितना है, 2, 100 की प्लेस पे 3, और 10s की प्लेस पे 8, और 1s की प्लेस पे 0। तो 1s की प्लेस पे अगर 0 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। 10s की प्लेस पे कितना है, 8, तो हम यहाँ क्या मार्क करेंगे, 8। नेक्स्ट 100 कितने हैं, 3। 1000 की प्लेस पे कितना है, 2। अंडरस्टूड। नेक्स्ट भी ऐसी है सेम, मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपको मार्क करके पहले, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। आप बिना प्लेस वैल्यू को मार्क किए कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, अगर करेंगे तो उससे चाहे आपका क्वेश्चन सही भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ना उसे मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसलिए ये इजी तरीका है आपके लिए, और इससे मिस्टेक होने के चांस भी बहुत कम है। वंस की प्लेस पे कितना है, 5, टेंस पे 0, हंड्रेड्स पे 4 एंड थाउजेंड पे 3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वंस पे 5, टेंस पे 0, 100 की प्लेस पे 4 एंड 1000 की प्लेस पे 3। डन, नेक्स्ट इज 1s की प्लेस पे 1, 10s की प्लेस पे 6, 100 की प्लेस पे 2, 1000 की प्लेस पे 8। 8 मीन्स हम इसको रीड कैसे करेंगे, 8261। तो 1s की प्लेस पे कितना आया, 1। 10s की प्लेस पे कितना है, 6। 100 की प्लेस पे कितना है, 2000 के प्लेस पे कितना है, 8। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये जो तीन नीचे दिए गए हैं ये मैंने होमवर्क मार्क कर रखा है, सॉरी। तो
तो ये आपको होमवर्क करना है, 3 ये हो गए और 1 वो हो गया, तो 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके पॉज करके आराम से समझिए, बिल्कुल ईजी है, ईजी तरीका बताया गया आपको करने का। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।